हेलो, आपका स्वागत है राज्यसभा टेलीविजन में। मैं हूं अखिलेश सुमन और आज मैं दिखाऊंगा आपको अपना एक खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में कहानी है पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। इस प्रणाली ने देश के गरीबों को न सिर्फ भूख से आज़ादी दिलाई है बल्कि किसानों को उनके मेहनत की उचित कीमत दिलाई है और मध्य वर्ग को जान मारू महंगाई से बचाया है। भूख एक सच्चाई है लेकिन भूख से आज़ादी की लड़ाई उससे भी एक बड़ी सच्चाई है और इसकी व्यवस्था न सिर्फ जनता के स्तर पर की गई बल्कि सरकारों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और इसी से निकली सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लाइन में लगे इन लोगों के लिए ये सिर्फ राशन की दुकान नहीं बल्कि जिंदगी की वो अहम सीढ़ी है जिसके सहारे ये एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ये दुकानें सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की वो अहम कड़ी हैं, जिससे तकरीबन 18 करोड़ परिवारों को सस्ता अनाज मिलता है। इनमें 6,52,00,000 बीपीएल और अंत्योदय परिवार के लोग और बाकी एपीएल परिवार के लोग हैं। We have never thought of dismantling the public distribution system because that is the only system, whatever its defects is in the, if you look at the global scenario, this is the only system in India which is considered to be effective. It may have defects, it may have drawbacks, but that is the only system by which the poorer community in the country gets the food grains and essential commodities at a reasonable price. 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में उलझी थी और बंगाल के लोग भूख से तड़प रहे थे। बंगाल के अकाल में 15 लाख से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, लोगों तक पहुंचाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सिस्टम था ही नहीं। व्यवस्था की खामी से हुई इतनी बड़ी घटना ने न सिर्फ भारतीय नेताओं बल्कि अंग्रेजों को भी हिला कर रख दिया। सितंबर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर अंग्रेजों ने इस मसले को हल करने की पहल की। उन्होंने शहरों के लिए अनाज में राशन की व्यवस्था शुरू की। पीडीएस का फायदा जनता तक पहुंचाने के लिए देश भर में खास दुकानें खोली गई। पीडीएस की दुकानों से उन्हीं लोगों को सामान दिया जाता है जिनके पास राशन कार्ड होता है। ये राशन कार्ड 3 तरह का होता है, अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल। इनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सबसे गरीब लोगों को सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 13.5 रुपए किलो के हिसाब से चीनी देती है, जबकि गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल श्रेणी के लोगों को गेहूं 4.15 रुपए, चावल 5.65 रुपए और चीनी 13.5 रुपए प्रति किलो की दर पर मिलती है। गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल के लोगों को गेहूं 6.10 रुपए और चावल करीब 8.30 रुपए प्रति किलो की दर से मिलता है। एपीएल के दायरे में आने वाले लोगों को चीनी नहीं दी जाती है, जबकि केरोसिन का रेट तीनों श्रेणियों के लिए 12.37 रुपए प्रति लीटर है। एपीएल कार्ड भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी आमदनी सालाना 1,00,000 रुपए से ज्यादा ना हो। इन योजनाओं में एक परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। इस वजह से खरीदते हैं, यहाँ 7 मिलता है, वहाँ 20 मिलता है, 20 रुपए किलो। इसमें अपने कम से कम महीना 15 दिन अपने छोटी फैमिली हो तो अपने कट जाते हैं, चावल वावल लगा के महीना काट लेती हैं। भारत जैसे असमानताओं से भरे देश में पीडीएस एक तरह की कल्याणकारी योजना है जो संसाधन की कमी के बावजूद लोगों को भूख से बचाती है। कई विरोधों के बावजूद सरकार इसे मजबूत करने का प्रयास कर रही है ताकि गरीबों का यह आखिरी आसरा भी छूट न जाए। पीडीएस के तहत कम कीमत पर अनाज मुहैया कराने के लिए सरकार सालाना करीब 675,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई किसानों से अनाज खरीदता है। अनाज को एफसीआई के गोदाम से पीडीएस दुकानों तक पहुंचाने का काम संबंधित राज्य का नागरिक आपूर्ति विभाग करता है। हमारी जिम्मेदारी है कि पीडीएस में जितनी क्वांटिटी फूड ग्रेन्स की चाहिए वो हम प्रक्योर करके किसानों से उसको उपलब्ध कराएं। देश में करीब 5,00,000 राशन की दुकानें हैं जहां सिर्फ पीडीएस का सामान ही बेचा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से गरीबों के अलावा इससे सीधे जुड़े करीब 10,00,000 परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। हमने राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य एनसी सक्सेना से पूछा कि खाद्य सुरक्षा बिल और पीडीएस में क्या संबंध है। पीडीएस को स्ट्रेंथन करने के लिए ही एनएसी ने रिकमेंडेशन दी थी और खाद्य सुरक्षा बिल में भी उसका ध्यान रखा गया है। पीडीएस
तो रहेगा और खाद्य सुरक्षा बिल में उसको एक कानूनी जाम बनाया जाएगा। अगर यह कानूनी अधिकार किसी को नहीं मिलता है तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है कि हमको खाना नहीं है, हमको खाना दो? जी बिल्कुल, यही तो शायद उसमें प्रावधान होगा कि यदि मैं एलिजिबल हूँ खाद्य सुरक्षा के लिए, यानी कि जो कैटेगरीज बनाई गई हैं उस कैटेगरी में आता हूँ और मुझे प्राप्त नहीं होगा, तो मैं शासन को शासन के खिलाफ मुकदमा कर सकता हूँ, शासन से कॉम्पेंसेशन मांग सकता हूँ। आज भी PDS जैसे व्यवस्था की ज़रूरत है हमारे देश में? जी, PDS की व्यवस्था की आवश्यकता बहुत ही अधिक है, क्योंकि हमारे देश में भुखमरी अभी भी है। काफ़ी लोग 40% बच्चे हमारे मेल नरिश्ड हैं, और ये भी देखा गया है कि एडल्ट पॉपुलेशन में 33-35% व्यक्ति जो हैं वो उनका वेट बहुत कम है। यह तो ठीक है कि गरीबों के लिए ज़रूरी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लेकिन इस वितरण प्रणाली में कई गड़बड़ियां और खामियां भी हैं जिसके कारण इसका सही फायदा गरीबों को नहीं मिल पाता। आइए देखते हैं क्या है वे गड़बड़ियां जिसके कारण देश के सबसे बड़े तंत्र को प्रभावी तरीके से अभी तक नहीं लागू किया जा सका है। ये अनाज अगर राशन में ना मिलता तो शायद इसे कोई ना खरीदता, लेकिन ये लोग इसे राशन में लेने को मजबूर हैं। सच्चाई ये है कि PDS में सस्ता अनाज जरूर मिलता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता कई बार काफी खराब होती है। गाय भैंस भी नहीं खा सकती वो, ऐसे गनक वो अनाज मिलता था खाने को। इसका सारी बात है ना, सरकार क्या कर, मतलब सारे तरह गोदामों में सड़ रहा है, वो कहाँ जा रहा है ये? हाँ, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, क्वालिटी हल्की आती है, और लोग शिकायत हमसे करते हैं, लेकिन ये तो FCI से आता, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट की एक एजेंसी होती है, नॉर्मली उसको सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन बोलते हैं, और उसका ये दायित्व तो है कि वो PDS का जितना भी स्टॉक है वो FCI से उठा के और राशन की दुकानों तक पहुँचाए। मैं ये करता हूँ, अपना देखता हूँ कोई क्वालिटी ख़राब तो नहीं है, क्वालिटी सही है तो जो मैं भरवा देता हूँ, नहीं तो मना कर देता हूँ। ऐसा है जी, गंदा माल हमारे यहाँ से नहीं जाता, जो तो वो दुकानदार जाने इस बारे में। जो कई साल से राशन के सामान की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है, इसमें राज्य सरकार के आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों, दुकानदारों और स्थानीय पंचायत या नगर निगम के कुछ लोगों की मिलीभगत होती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुताबिक PDS के तहत BPL के हिस्से का 31% अनाज और 36% चीनी खुले बाजार में चली जाती है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक असम और मिजोरम में APL का सारा गेहूं बाजार में चला जाता है। असम और मिजोरम के APL का करीब 83% और 81% चावल भी बाजार के हवाले हो जाता है। छत्तीसगढ़ के APL का करीब 78% और झारखंड का करीब 55% गेहूं भी राशन की दुकानों पर आने की बजाय बाजार में बेच दिया जाता है। यह हर बोरी पर यह मुहर लगाते हैं PDS नाम लिखा रहता है, मतलब यह कि यह जो बोरी है वह PDS की दुकान पर ही जाएगी, लेकिन इतनी सावधानी के बरतने के बाद भी पता नहीं ये बोरियाँ बाजार में कैसे गायब हो जाती हैं, यह अभी भी अनुसंधान का विषय है। PDS में भ्रष्टाचार खत्म करने के उपाय सुझाने वाली जस्टिस वाधवा समिति ने भी इन तथ्यों को उजागर किया है। जिले स्तर पर लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जब उनका ट्रांसफ़र वगैरह करने की पावर चूँकि मंत्री जी के हाथ में होती है, तो बहुत सारे जगह मंत्री जी भी पैसा कमाते हैं। उसके साथ साथ ये जो दुकानदारों की अपॉइंटमेंट में MLAs का हाथ होता है, MLAs भी इसमें पैसा कमाते हैं। वैसे तो कानूनी तौर पर लोग एडवांस में कई महीने का अनाज या एक महीने के अंदर कई किश्तों में अनाज ले सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये लागू नहीं हो पाता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश प्राप्त किए हैं, गरीब इंसान अगर इकट्ठा 35 किलो नहीं ले सकता, वो हिस्सों में भी खरीद सकता है, पर कई प्रदेश उसको लागू नहीं कर रहे हैं। कई प्रदेशों में सिर्फ एक या दो दिन घोषित दिनों पर दुकान खुली रहती है, तो उस वक्त सबको खरीदना पड़ता है। सरकार के सामने PDS को चालू रखने में सब्सिडी का दबाव काफी ज्यादा है। लाभार्थी को किस दाम पर फूड ग्रेन दिया जाए ये सरकार अलग से तय करती है, सरकार का निर्णय। सरकार ने सोचा भाई गरीब आदमी पे भार नहीं पड़ना चाहिए, तो दाम नहीं बढ़ाए। सब्सिडी पर भारी खर्च को देखते हुए सरकार ने 1997 में ही लक्षित PDS की शुरुआत की थी।
इस निर्णय से अब पीडीएस दुकानों पर सिर्फ वही लोग जाते हैं जो बाजार से नहीं खरीद सकते और काफी मजबूर हैं। हर्ष मांदर ने जिलाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पीडीएस को काफी नजदीक से देखा। इस संवेदनशील मसले पर हमने हर्ष मांदर से पूछा कि पीडीएस इतना विवादास्पद क्यों है। कमजोर लोग हैं, उनका कोई सामाजिक राजनीतिक प्रभाव नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं। लेकिन सिर्फ भोजन के लिए सरकार के मदद की जरूरत पड़ी है, यह बहुत ही अजीब लगता है। 60 साल 70 साल हो गया हमारी आज़ादी। आप सही बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अब ये माना जा रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, ये कुछ ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसकी पूर्ति सरकार को करना सरकार का दायित्व है। लेकिन पीडीएस जैसा बहुत बड़ा हाथी, यह सरकार पालने में कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ता है, तो अगर सरकार सीधे तौर पर इसको बाज़ार के हवाले ही कर दे और बाज़ार को रेगुलेट करे, तो क्या भूख की समस्या नहीं ख़त्म हो पाएगी? आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है कि हम 5 लाख करोड़ रुपए बड़े कंपनी को दे रहे हैं टैक्स माफ़ी के तौर पर? मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग को एक अजीब स्थिति में पहुँच गई है, जहाँ पे हमारे आस पास भूख, बदहाली, अशिक्षा, बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हमारे घरों में काम कर रहे हैं, हमें पीड़ा नहीं होती। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक और जो चुने हुए जो लोग हैं और जो ये नौकरशाही, दोनों की जिम्मेदारी बनती है, अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं, दोनों अपने जिम्मेदारी में असफल रहे हैं। यह सही है कि भूख से आज़ादी की इस लड़ाई में पीडीएस के अंदर कई तरह की समस्याएं देखने को मिली हैं, लेकिन यह भी सही है कि पीडीएस के होने के कारण कई अन्य तबकों को लाभ मिला है जिनको अन्यथा यह लाभ नहीं मिला होता। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे तबके हैं जिनको पीडीएस के कारण लाभ मिल पा रहा है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। अमूमन लोगों को यह भ्रम है कि पीडीएस से सिर्फ गरीबों को फायदा होता है, लेकिन गरीबों को मिलने वाला अनाज चूंकि खेतों में उगता है, इसलिए बड़े पैमाने पर किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर इससे लाभान्वित होते हैं। इन लहलहाते खेतों की हरियाली इसीलिए बची रह पाती है क्योंकि इसमें तैयार फसल की सही कीमत अदा की जाती है। हालांकि सभी किसान इस कीमत से खुश रहें ये मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है वो किसानों के लिए काफी राहत की बात होती है। रेट ज्यादा होना चाहिए, खर्चे ज्यादा हो गए अजकल, खाद का रेट डीएपी का वध गया, यूरिया का वध गया, पहली गल तो डीएपी मिलती नहीं पई। सरकार सीधे भारतीय खाद्य निगम या राज्य खाद्य निगम के जरिए अनाज खरीदती है, कई जगह कमीशन एजेंट के माध्यम से भी एफसीआई अनाज खरीदती है। कमीशन हम पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। बंसीलाल जी ने कभी मेरे ख्याल 20 साल पहले बढ़ाई थी, हम चाहते हैं इसको 3 या 3.5% किया जाए। अनाज की सरकारी खरीद से खुले बाजार में मूल्य का संतुलन बना रहता है। चूंकि सरकार बड़े पैमाने पर खास इलाके से अनाज खरीदती है, इसीलिए उससे कम कीमत पर इसे खरीदना आढ़तियों के लिए संभव नहीं हो पाता। एक तरह से सरकारी खरीद खुले बाजार से किसानों के मोलभाव का सुरक्षित अस्त्र बन जाता है। सरकार अगर न्यूनतम मूल्य पर अपनी खरीद से हाथ खींच ले तो ये किसान व्यापारियों की गिरोहबंदी का शिकार हो जाएंगे। आम किसान को ये बेनिफिट होता है कि इसमें जो भी धान परचेज करवाने के लिए वो मंडी में लेकर के आते हैं, उनकी सारी धान गवर्नमेंट परचेज कर लेती है। पूरे देश में किसानों से अनाज खरीदने और इसे गरीबों तक पहुंचाने में एफसीआई की अहम भूमिका है। पीडीएस और किसानों के बीच में एफसीआई एक मजबूत कड़ी का निर्माण करता है, जिसके कारण बाजार में जमाखोरी पर रोक लगती है और बाजार का उतार चढ़ाव रुकता है। पीडीएस और एफसीआई मिलकर भारत की खाद्य सुरक्षा को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। 1965 में संसद के कानून से बनाया गया एफसीआई देश में फूड चेन को कायम और बाजार को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। इस तरह एफसीआई का मकसद न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए किसानों के हितों की रक्षा, पूरे देश में अनाज का वितरण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज का समुचित संचयन और संचालन भी है। भारतीय खाद्य निगम का रोल ये है कि वो खाद फूड ग्रेन्स को प्रिक्योर करे और प्रिक्योरिंग स्टेट से मूवमेंट करा के कंज्यूमिंग स्टेट में ले जाए
वहाँ उसको रखे और आगे की जो जिम्मेदारी है पीडीएस में बांटने की वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। एफसीआई को केंद्र सरकार की तरफ से सीधे सब्सिडी मिलती है। एफसीआई के पास अभी गोदामों के सिर्फ 2000 डिपो हैं। इनकी कमी दूर करने के लिए एफसीआई ने प्राइवेट एंटरप्राइज स्कीम चलाई है। इसके तहत गोदाम बनाने वालों को एफसीआई 10 साल तक अनाज मुहैया कराने की गारंटी देता है। लक्ष्य के मुताबिक अगले 2 साल में इस स्कीम में 7 करोड़ टन अनाज रखने लायक गोदाम बन जाएंगे। इससे किसानों को खासा फायदा होगा क्योंकि गोदामों में अनाज रखने पर उनकी मोलभाव की क्षमता बढ़ जाएगी। हमने एफसीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अमर सिंह से पूछा कि एफसीआई और पीडीएस कैसे जनता के हितों को पूरा करते हैं। 11-12 में जो पीडीएस में जो क्वांटिटी हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है वो अबाउट 570 लाख टन आप कह सकते हैं, 57 मिलियन टन आप कह सकते हैं। इतना प्रोक्योरमेंट तो आज हो रहा, हम उसको संभाल रहे हैं। लेकिन सर ये बहुत शिकायतें आती हैं कि एफसीआई प्रोक्योर तो कर लेती है लेकिन बरसात में सड़ते रहते हैं, गोदामों में सड़ते रहते हैं, इसका क्या निदान आपने कुछ सोचा है? जनरली जो डैमेज होता है वो वैसे मात्रा बहुत कम है, ये 0.01% से भी कम है जो डैमेज होता है, क्योंकि जो टोटल क्वांटिटी हैंडल हो रही है वो तो 450 लाख टन 500 लाख टन उस तरह की है, और जो डैमेज होता है सारे साल में वो 500,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा, हालांकि वो भी होना नहीं चाहिए। औसतन अगर कहें तो कितने दिनों तक खुले में अनाज आप रखते हैं? जो साइंटिफिक कैप है उसमें तो 1.5-2 साल तक वीट, वैसे जो खुला है जो कैप जिसको बोलते हैं उसमें सिर्फ वीट ही रखा जाता है, उसमें राइस नहीं रख सकते, राइस कवर्ड में ही रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक आम शिकायत है दुकानदारों की, मैं भी गया कई जगह पे, कि एफसीआई से जो सामान आते हैं कई बार उनकी गुणवत्ता क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है, क्या एफसीआई इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, ये खराब सामान दुकानों में ग्राहकों तक ना पहुँचे? ये कहना तो बिल्कुल ही मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट या उनके रिप्रेजेंटेटिव कोई खाद्यान्न लेने आते हैं उनको अधिकार है कि वो उसको देखें, टेस्ट करें, उसको ठोक बजा के देखें और तब ही लें। खराब अनाज मिलने की शिकायत सही हो सकती है लेकिन नगद सब्सिडी इसका इलाज नहीं है। लोगों का मानना है कि अगर अनाज घर में आएगा तो उसका सदुपयोग ही होगा, नगद सब्सिडी का तो दुरुपयोग भी हो सकता है। आइए देखते हैं क्या यह मामला है नगद सब्सिडी और अनाज का पीडीएस में। गरीब और बेसहारा लोगों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके बावजूद कई बार इन्हें भूखे पेट सोना पड़ जाता है। लेकिन पीडीएस में अनाज की बजाय नकद राशि देने पर भी जोर दिया जाने लगा है। गरीबों का कहना है कि उन्हें पैसा नहीं अनाज चाहिए। पैसा इसलिए नहीं चाहिए, पैसा आएगा 600 रुपए के अंदर, हम महीने का राशन तो ले जाते हैं, 600 रुपए आएंगे तो खर्च हो जाएंगे, कोई पता चलेगा 600 रुपए का? 600 रुपए में कुछ भी नहीं होता आजकल। 20 रुपए किलो आटा कर दिया, यहाँ 7 रुपए किलो गेहूँ तो मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमंद और सरगुजा जिले में पिछले दिनों सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 2.8% लोग ही पीडीएस के राशन के बदले नकद राशि चाहते हैं, जबकि 93% लोगों को नकदी पैसा नहीं बल्कि सामान चाहिए। नकद पैसा अगर घर के पुरुष सदस्य को मिलेगा तो इसका इस्तेमाल दूसरे काम में हो सकता है। ये एक सही ढंग का हल नहीं है बल्कि ये समस्या को और भी बढ़ा देगा। ये कैश ट्रांसफर एकदम सुझाव नहीं हो सकता है। पीडीएस की दुकान चलाने वालों को कमीशन दिया जाता है लेकिन इससे आमदनी इतनी नहीं होती कि पूरे परिवार का गुजारा हो सके। दिल्ली राशन दुकानदार संघ का कहना है कि अगर इसमें कालाबाजारी को रोकना है तो दुकानदारों का कमीशन बढ़ाना पड़ेगा या उन्हें सरकारी कर्मचारी की तरह वेतन देना होगा। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र भी लिखा है। आज हो ये रहा है कि हम राशन दुकानदार से ये तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक ईमानदारी से काम करे, लेकिन उसके परिवार की, उसके बच्चों की, उसकी भूख की किसी को चिंता नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कमीशन हमारी इतनी कम है कि जो पिछले 20 साल पहले कमीशन थी आज भी वही कमीशन है। बीपीएल सर्वे का होना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है, लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए अभी ऐसी कोई प्रणाली नहीं बनी है जिसे सभी तबके के लोग मंजूर करें। ये है स्मार्ट कार्ड।
इसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड की तरह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं में धांधली रोकने के लिए इस सिस्टम को अपनाने की सिफारिश की है। इससे गलत राशन कार्ड नहीं बन पाएंगे क्योंकि इसमें संबंधित व्यक्ति की उंगलियों के निशान और जरूरी जानकारियां दर्ज होती हैं। FCI गोदामों से सरकारी दुकानों तक जाने वाले राशन के ट्रक कहां कहां जा रहे हैं, इसका हिसाब रखने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने 4 सितंबर 2012 को सभी राज्य सरकारों को PDS गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाने के प्रस्ताव दिए थे। इसके लिए उन्हें राशि भी जारी कर दी गई। तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ने इस पर काम किया है और इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। सरकार आधार संख्या के साथ PDS को जोड़ना चाहती है। आधार संख्या किसी व्यक्ति की खास पहचान संख्या है जिसे स्मार्ट कार्ड के साथ जोड़ा जा सकता है। आधार क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही पहचान देता है, एक ही संख्या देता है, इसके माध्यम से ये सुनिश्चित करना संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही राशन कार्ड मिले। लेकिन अगर एक व्यक्ति को एक ही राशन कार्ड मिलेगा तो वह संख्या तो राशन के दुकानदार को पता होगा, तो उस संख्या का दुरुपयोग करके वह उस नाम आदमी के नाम से अगली बार ले सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अगर आप राशन की दुकान पर जाएं और वहाँ कोई ऐसा सिलसिला हो, ऐसी मैकेनिज्म हो जहाँ पर आप अपने अंगूठे के माध्यम से, अपने UID नंबर के माध्यम से ये प्रमाणित कर सकें कि आप वस्तुतः उस दुकान पर आए थे और आपने उस दुकान से राशन उठाया था, तो मैं समझता हूँ न तो दुकानदार महोदय ये दिखा सकेंगे कि ये व्यक्ति ले गए राशन क्योंकि वो आए ही नहीं तो ले कैसे गए, और दूसरे नंबर जो व्यक्ति जो ले गया राशन वो भी मना नहीं कर सकता कि हमको राशन मिला, लेकिन वो कहेगा हमने नहीं उठाया। अगर आधार संख्या मिल भी जाए तो राशन की दुकान पे भी एक टेक्नोलॉजी होना जरूरी है ताकि आधार संख्या का उपयोग हो सके उसमें। हाँ, ये बहुत छोटी सी डिवाइस है, इस डिवाइस पर आप आधार नंबर लिखें और इसमें अपना ये यहाँ से इसको लगाएं बायोमेट्रिक, तो ये इमीडिएटली हमारे सर्वर से ये प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ साहब ये RS शर्मा हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने राशन उठाया। आधार कार्ड क्या दुकानदारों को कुछ फ़ायदा दिलवा सकता है? आपको आश्चर्य होगा, एक दो दुकानदारों ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि हमको केवल चोरी समझा जाता है, हमको लोगों ने पहली बार ये देखना शुरू किया कि हाँ भाई ये आदमी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। आधार संख्या के साथ इसको जोड़ने की बात तो सिर्फ तकनीकी मामला है, चुनौती ये है कि तरीका चाहे जो हो सभी गरीबों तक सस्ती दरों पर सामान पहुंचना चाहिए। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों PDS और कैश सब्सिडी का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। दिल्ली अन्नश्री योजना के तहत उसने 2 लाख गरीब परिवारों को 600 रुपए प्रति महीना कैश सब्सिडी देने की बात भी कही है, लेकिन ज्यादातर लोगों का बैंक में खाता न होना और गरीबों में पैसे के प्रति जागरूकता की कमी से इस योजना का मकसद भटक सकता है। लेकिन ये मामला पूरी तरह राज्य सरकारों के हाथ में है और केंद्र सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती। दिस आर सम ऑफ द प्रपोजल्स गिवन बाय सम स्टेट्स लाइक दिल्ली गवर्नमेंट। कैश सब्सिडी इज वन ऑफ द प्रपोजल्स गिवन बाय सम स्टेट्स। बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट द लोअर लेवल इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से चल रही PDS योजना का लाभ सबको मिले, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है राजनीति और नौकरशाही में भुखमरी की समस्या के प्रति जागरूकता, खासकर निचली नौकरशाही में जवाबदेही तय करना और गड़बड़ी पाए जाने पर दुकानदारों के साथ संबंधित सरकारी कर्मचारी को दंडित करना, इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। दुकानों का मार्जिन बढ़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इस बारे में कहा है, हम लोग जब भी स्टेट सेक्रेटरीज़ की और स्टेट मिनिस्टर्स की मीटिंग कर रहे हैं उन पे जोर दे रहे हैं। कैश सब्सिडी की बात चल रही है, लोगों के अंदर भय भी है कि सरकार हो सकता है अनाज देना बंद करके पैसा देना शुरू करे। मैं ये भ्रांति बिल्कुल दूर कर दूं कि हम कभी नहीं कह रहे हैं कि फूड ग्रेन के एवज में कैश सब्सिडी होगी। देखिए, हमारा उद्देश्य है, राज्य सरकारों का भी उद्देश्य होगा कि सिस्टम में सुधार करना। मैंने अभी कहा कि यूज़ ऑफ IT से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, और इसको और आगे जाएं जो मैंने अभी सेकंड फेज़ का जिक्र किया। अगर हम आधार के कोई उपयोग करके बेनिफिशियरी की संज्ञान कर लेते हैं तो उसको राशन मिल जाएगा। PDS की जो वर्तमान जो तरीका है वो रहेगा या उसमें कोई भारी फेर बदलाव की उम्मीद है? PDS व्यवस्था में लाभार्थी को कम दर पर गेहूं, चावल आदि मिलता है, कहीं पर दाल भी मिलती है, तेल भी मिलता है, ये व्यवस्था तो रहेगी। तो जैसा कि आपने देखा, सब्सिडी के लाख बोझ के बावजूद सरकार PDS के महत्व को दरकिनार नहीं करती। लोगों को भूख से पूर्ण आज़ादी के लिए सरकार खाद्य सुरक्षा कानून लाने जा रही है, लेकिन उसमें भी PDS की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ज़रूरत है PDS को दुरुस्त करने की, उसमें भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को रोकने की। राज्यसभा टेलीविजन के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।